माँ कमलात्मिका दसवीं महाविद्या है। जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो माँ लक्ष्मी का ही फॉर्म है माँ कमला, माँ कमलात्मिका। किस तरह का अंतर आप यहाँ को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए माँ लक्ष्मी और तांत्रिक लक्ष्मी यानी कि माँ कमलात्मिका के बारे में? तो जो तांत्रिक किसी भी फॉर्म का, किसी भी गॉडेस का जो तांत्रिक फॉर्म होता है वो उनका थोड़ा सा उग्र फॉर्म होता है। एक तो उनको जल्दी साधा जा सकता है, उनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। माँ कमलात्मिका अष्ट लक्ष्मी भी अपने अंदर लेके बैठती हैं। इन्हें साधना आसान तो है लेकिन साधना करते करते अगर आपने गलत तरीके से साधना की तो उसके असर इम्पैक्ट जो है वो गलत भी आ सकता है, तो वहाँ किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? इसमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी गलत चीज़ के लिए धन ना मांगें। इनकी पूजा हम सफ़ेद आसन लगा के करते हैं, पिंक आसन भी लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा। हम आपके लिए 10 महाविद्याओं की एक सीरीज लेकर आए और इस सीरीज में हम लगातार एक एक कर तमाम महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई कहानी और किस्से क्या है वो तमाम डिटेल में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या में से आखिरी महाविद्या माँ कमलात्मिका के बारे में और इनके रहस्य से और इनसे जुड़े किस्सों से पर्दा आज उठाएंगे डॉक्टर मनमीत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनमीत आपका एक बार फिर से। 10 महाविद्याओं के बारे में आपने तमाम डिटेल में बताया है, इससे पहले किस तरह से उनका हमारे जीवन पर प्रभाव है और किस किस तरह से उनकी साधना की जानी चाहिए। 10वीं और आखिरी महाविद्या है माँ कमलात्मिका। एक बार माँ कमलात्मिका के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि इनका ये रूप क्यों है और किस तरह से इस रूप की उत्पत्ति हुई और इसका हमारी लाइफ पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। थैंक यू राज जी, ये सीरीज़ मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माँ कमलात्मिका 10वीं महाविद्या है और शायद माँ काली के साथ साथ सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली महाविद्या है और इनका जो इनकी जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से हुई थी। और जब सब कुछ नष्ट हो गया था, अमृत निकलने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो माँ लक्ष्मी का ही फॉर्म है माँ कमला, माँ कमलात्मिका, और उनकी उत्पत्ति एक कमल के फूल पर हुई और उनको प्रे करके वापस इस धरती के ऊपर जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी, धन धान्य वैभव, सब चीज़ों में जो जान है, जो धन है, जो ग्लो है, जो ब्यूटी है वो माँ कमलात्मिका हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से ही हुई और ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे दो धारणाएं हैं, एक धारणा कहती है कि शिव शंभू का ही 10वां फॉर्म जो है वो कमल है और माँ पार्वती की ही उत्पत्ति से माँ कमलात्मिका का जन्म हुआ और ये माँ काली का ही फॉर्म है और 10 महाविद्या का फॉर्म है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहती है कि ये तांत्रिक लक्ष्मी है और ये भगवान श्री हरि विष्णु की वाइफ हैं और ये एक अकेली महाविद्या है जिनका शिव शक्ति के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है। तो दोनों जो धारणाएं हैं वो लोगों के बीच में है लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये तांत्रिक लक्ष्मी है और तांत्रिक लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी से जो हम नॉर्मल माँ लक्ष्मी को मानते हैं उनसे थोड़ी सी जो है वो अलग है। किस तरह का अंतर आप यहाँ इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए माँ लक्ष्मी और तांत्रिक लक्ष्मी यानी कि माँ कमलात्मिका के बारे में? तो जो तांत्रिक किसी भी फॉर्म का, किसी भी गॉडेस का जो तांत्रिक फॉर्म होता है वो उनका थोड़ा सा उग्र फॉर्म होता है। एक तो उनको जल्दी साधा जा सकता है, उनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन अगर गलत हो जाए तो उल्टा भी उतना ही पड़ता है। तो दोनों तरफ से इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड। तांत्रिक लक्ष्मी जो हैं उनके मंत्र माँ लक्ष्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तांत्रिक इनको बहुत साधते हैं अपने फ़ायदे के लिए और अगर हम चाहें तो हम भी इनको साध सकते हैं। ज़्यादातर इनको साधा जाता है धन धान्य के लिए और जो मॉडल्स होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, जिनका भी रूप जैसे कैमरे पे बहुत आता है और जो ब्यूटी के लिए ये करना चाहते हैं, जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए चाहिए, चाइल्ड बर्थ के लिए चाहिए, फर्टिलिटी के लिए चाहिए, अगर आपके बहुत सारे खेत हैं या आपका खाने का काम है और आपको अपनी ज़मीन उपजाऊ चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो है हम माँ लक्ष्मी को मानते हैं। तो जो
तांत्रिक लक्ष्मी हैं, जो माँ कमलात्मिका हैं, वो ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के भी बहुत बहुत ज़्यादा सौम्य और उग्र स्वरूप है। तो अगर आप इनका चित्र देखें तो चार एलिफेंट्स हैं, चार हाथी हैं, जो इनको नहला रहे हैं पानी से भी और शहद से भी, अमृत से भी। तो ये ऐसा कहते हैं कि जो माँ कमलात्मिका अगर किसी के साधना में आ जाएं या उनके स्वप्न में आ जाएं, तो ऐसा लगता है कि 100 सूरज एक साथ चमक रहे हैं। इतनी रेडियंस है माँ कमलात्मिका में कि आदमी चकाचौंध हो जाता है। तो सोचिए, अगर उनके स्वरूप मात्र में इतनी रेडियंस है, अगर उनकी 1% भी आपके ऊपर कृपा होती, कृपा हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जीवन, उस आदमी का जीवन जो है कभी सेम नहीं रह सकता। हमारे बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वहाँ पे माँ कमलात्मिका की पूजा तांत्रिक दिन रात करते हैं। महाविद्याओं की बात करें, जो 10 महाविद्या है उनमें से बाकी जो महाविद्याएं हैं, जो माँ के जो स्वरूप है, बहुत उग्र स्वरूप हमने देखे, डिस्ट्रॉय की बात की, डेथ की बात की, लेकिन अगर माँ कमलात्मिका के बारे में बात करें तो उनका रूप स्वरूप किस तरह का है, और जो ये माँ है वो आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है, अगर सीधे तौर पर इसको समझने की कोशिश करें तो? माँ कमलात्मिका अष्ट लक्ष्मी भी अपने अंदर लेके बैठती हैं। तो अष्ट लक्ष्मी अलग अलग तरह की लक्ष्मी है। ऐसा भी कहते हैं कि माँ कमलात्मिका गज लक्ष्मी का फॉर्म है, क्योंकि अगर आप उनका फॉर्म देखें तो उनके साइड पे जो है चार गज हैं, जिसको हम हाथी या एलिफेंट भी कहते हैं। तो गज लक्ष्मी क्या देती हैं? हाथी में क्या होता है? स्ट्रेंथ। हाथी में क्या होता है? एक ऐसी क्षमता कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसको हम जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। आप इनको पिंक कलर से डिनोट कर सकते हैं, रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं, और गोल्ड और वाइट से डिनोट कर सकते हैं। ये इनके कलर्स हैं। अगर किसी को भी माँ कमलात्मिका को देखना है और या उनकी साधना या पूजा करनी है, तो ये कलर्स वो खुद भी पहने और ये कलर्स का वो आसन भी लगाए। तो जो अष्ट लक्ष्मियों का फॉर्म है वो है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अब अगर आप इन 8 फॉर्म्स को देखें तो ये 8 में इंसान जो जो चाह सकता है वो सब इन 8 के अंदर ऑलरेडी एम्बाइड है। तो माँ कमलात्मिका ऐसा कह सकते हैं कि जब 9 महाविद्या से हमने उग्र फॉर्म देख लिया, हमने डिस्ट्रक्शन देख ली, हमने लोगों का धोखा देख लिया, माँ बगलामुखी की साधना कर ली, कोर्ट केसेस हो गए, दुश्मन हो गए, ये सब करते करते जब एक साधक एंड में आता है तो शिव शक्ति उनको कहते हैं कि आइए, अब आपने ये सारे पड़ाव जो हैं पूरे कर लिए हैं, अब मैं आपको एक फाइनल वेल्थ, एक धन धान्य का वरदान देता हूँ। तो ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं 10 महाविद्या को हर एक महीने में या 40 दिन में एक महाविद्या को साधते हैं, उस फॉर्म पे विजय पाकर जितनी वो पा सकते हैं उस बिहेवियर को अपनी लाइफ में लाके, जैसे अगर वो माँ भैरवी की साधना कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके, डिस्ट्रक्शन के थ्रू जाके फिर नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे, फिर कंपटीशन को एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे। ऐसे करते करते जब वो 9 पड़ाव पार कर लेते हैं तो वो माँ कमलात्मिका पे आते हैं, जहाँ मैं कहूँगी कि सिर्फ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं। उनका बहुत सौम्य रूप है, ये 10 महाविद्या का उग्र रूप नहीं है, लेकिन ये माँ लक्ष्मी का जिसे कहते हैं उग्र रूप है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हरि विष्णु के पैर दबाती हुई एक सौम्य एनर्जी में वो अपने आप को दर्शाती हैं। हम सबके घर में जो फोटोज होती हैं वो वैसे ही दिखाती हैं कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के जो है पैर दबा रही हैं। लेकिन जो तांत्रिक लक्ष्मी है माँ कमलात्मिका, वो अपने अंदर एक पोटेंशियल रखती हैं ईविल को डिस्ट्रॉय करने का, उसका नाश करने का, विनाश करने का। तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका जो रूप है वो अपने सब महाविद्यास का जो रूप है वो अपने कॉन्सॉर्ट, मतलब अपने जो मेल भगवान हैं उनके बिना है। तो ये दर्शाया जाता है कि हर महाविद्या अपने में संपूर्ण है। तो ऑल्दो ये फीमेल फॉर्म है, लेकिन ये संपूर्ण फॉर्म है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए। तो ये माँ लक्ष्मी का जो तांत्रिक रूप है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप ही
देती तो महालक्ष्मी भी हैं, लेकिन ये किसी पे भी एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि हम जितने ही माँ के रूप आमतौर पर देखते हैं, हम अपने घरों में जो तस्वीरें हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक देव भी उनके साथ होते हैं। महादेव की बात कर ले, पार्वती जी की बात कर ले, हरि नारायण की बात कर ले, लक्ष्मी जी की बात कर ले, तो इस तरह से बहुत सारे रूप रो हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी यहाँ पर है। अब महालक्ष्मी और महालक्ष्मी का ही जो तांत्रिक रूप है माँ कमलादमी का, जो हम घर में महालक्ष्मी की या लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, बहुत साधारण तरीके से करते हैं। अगर उनकी तस्वीर और मूर्ति है तो हम हाथ जोड़कर फूल चढ़ाकर हम जो है उन्हें साथ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने एक पूजा पूर्ण कर ली है। लेकिन अगर माँ कमलात्मी का की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ जो पूजा के लिए क्या कुछ तरीके होने चाहिए, क्योंकि जो एक बात आपने कही जो बेहद खास है, जो दर्शकों को भी जाननी चाहिए कि इन्हें साधना आसान तो है, लेकिन साधना करते करते अगर आपने गलत तरीके से साधना की तो उसके असर इम्पैक्ट जो है वो गलत भी आ सकता है, तो वहाँ किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। माँ कमलात्मिका की जो आराधना है वो बाकी नौ महाविद्या से आसान है और ये गलत होना मुश्किल है, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं, धन धान्य मांग रहे हैं। इसमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी गलत चीज़ के लिए धन ना मांगें या किसी और का अर्जित किया हुआ धन उस पर अगर हमारी नज़र है, क्योंकि माँ कमलात्मिका कहती हैं कि यूनिवर्स में इतना धन है कि अगर आपको चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन अगर आपको गलत रीज़न के लिए चाहिए, या आप एक ड्रग डीलर हैं, आपको कुछ गलत काम के लिए धन चाहिए, या वेपन्स के लिए चाहिए, या डिस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, तो नहीं होगा। इनकी पूजा हम सफ़ेद आसन लगा के करते हैं, पिंक आसन भी लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, और इनको वहाँ स्थापित करके। लेकिन एक बात है माँ कमलात्मिका के बारे में कि जितनी ब्यूटी आप उनकी देख रहे हैं, जितना सौंदर्य, जितना रूप आप उनका देख रहे हैं, वो रूप आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे अंदर एक क्लेनलीनेस होनी चाहिए, एक सौंदर्य होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि जजमेंट नहीं करनी किसी के लिए, गॉसिप नहीं करनी, ईविल थॉट्स नहीं सोचने, क्योंकि अगर ये पार्ट हमारा क्लीन नहीं है, माँ का कोई भी, और चाहे वो माँ लक्ष्मी ही हो, आपके ऊपर कभी भी कृपा नहीं आ सकती। घर में स्थापना करनी चाहिए माँ कमला, बिल्कुल करनी चाहिए, और इनको अपने लॉकर के ऊपर स्थापित करना चाहिए, ऑफिस के लॉकर जो तिजोरी होती है उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए, और इनके आगे तुलसी की सूखी हुई जड़ को धोकर सुखाकर आपको अपने लॉकर में रखना चाहिए। इससे आपका जो धन है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूजा का समय और दिन, पूजा का दिन 10वां दिन, और पूजा का समय हमेशा 10 महाविद्या का रात के 9 बजे के बाद। माँ कमलात्मिका को पूजने और साधने के लिए सही मंत्र क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग मंत्र जो है, अलग अलग बातें हमेशा रहती है। अगर हम गूगल पर सर्च करने जाएं तो वहाँ भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, एक सही मंत्र कौन सा है? देखिए, माँ लक्ष्मी और माँ कमलात्मिका का जो बीच मंत्र है वो है श्रीम। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप श्रीम 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 108 बार करें, स्फटिक की माला पर या कमल गट्टे की माला पर, तो ये आपको जो है अपने में ही बहुत धन देगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सिवाय वॉशरूम जाने के, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें श्रीम 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 करेंगे, ये एक मैग्नेटिक पुल है कि माँ खिंची चली आएंगी। लेकिन माँ कमलात्मिका का जो मंत्र है वो है ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा। जो भी तांत्रिक मंत्र होता है उसको हम चलते फिरते नहीं कर सकते, उसकी पूरी एक विधि विधान होता है, जो अगर दर्शक इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनके साथ ऑफलाइन शेयर कर लूँगी। वो उसी जगह पर, उसी आसन पर बैठकर उसी विधि विधान से करने चाहिए। लेकिन अगर सब लोग जैसे बहुत बिजी होते हैं और नहीं कर पा रहे ये मंत्र, और उस तरह का शुद्धिकरण अपने घर का नहीं कर पा रहे या अपना नहीं कर पा रहे, तो श्रीम उतना ही पावरफुल मंत्र है। आप श्रीम 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 जो है करते हुए जा सकते हैं। मैं अभी आपको यही बता रही थी राज जी कि श्रीम में और ये जो माँ कमलात्मिका का मंत्र है, इसमें यही फ़र्क है कि माँ आपसे क्या बुलवाना चाहती है। तो जब बहुत साल पहले कोविड था, तो जैसे मेरे सपने में माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा कि आप अष्ट लक्ष्मी का वर्कशॉप करवाइए। तो बहुत सारे मेरे दर्शक यहाँ जानते होंगे, आपने शायद अटेंड भी किया होगा, माँ अष्ट लक्ष्मी के जो 8 फॉर्म्स होते हैं दिवाली से पहले वो वर्कशॉप होती है,
और बहुत हजारों की तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया था और उस समय लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे इसको लेके। अगले साल माँ ने कहा कि अब आप 10 महाविद्या की वर्कशॉप करवाइए। ये हमारा दूसरा साल है 10 महाविद्या की वर्कशॉप का और जो एक्सपीरियंसेस लोगों के हो रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन जो है सेप्टेम्बर में ही शुरू हो गई थी, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इतने अमेजिंग हैं। तो आप और मैं यहाँ पॉडकास्ट कर सकते हैं, मैं 5 साल से इस एनर्जी से जुड़ी हुई हूँ, जुड़े तो शायद हम सब बहुत पिछले जन्मों से हैं, पर जब माँ लक्ष्मी चाहेंगी, जैसे वो चाहेंगी, अपना जो फॉर्म वो दिखाना चाहेंगी, साधक को वही फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपके स्वप्न में माँ लक्ष्मी या गज लक्ष्मी, जिसमें एलिफेंट के साथ माँ लक्ष्मी आती हैं, या आपको अचानक से फेसबुक पर वो पिक्चर दिख जाना, या आपके ऊपर एक छिपकली गिर जाना, विच इज, पर अगर इनमें से कोई भी साइंस आपको नवरात्रि के दौरान आते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। ये एक बहुत प्रॉस्पेरिटी का, आपके जीवन में धन के खुलने का योग है, यानी कि एक बदलाव का एक संकेत बहुत, है। बहुत। और माँ लक्ष्मी सबसे पहले संकेत देती है, एक माँ काली और एक माँ लक्ष्मी, ये आपको ऐसे संकेत देंगी एकदम कि अगर आपने उनसे दिल से मांग लिया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा ये लोन है, मुझे लोन उतारना है, माँ आप मेरी मदद करें। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उनके घर में किसी भी तरीके की दरिद्रता है, कोई लोन है जो चुक नहीं रहा, जॉब है जो मिल नहीं रही, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बिना कुछ भी सोचे आप माँ कमलात्मिका के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। आप ये करके देखें 9 दिन इनका मंत्र और आप बताइए मुझे। वो बदलाव जो है आपको फिर महसूस होंगे, आप वहीं से आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंदर वो असुर नहीं होना चाहिए, वो बुराई नहीं होनी चाहिए। एक साफ नियत, साफ मन के साथ अगर आप माँ से कुछ मांगेंगे तो जाहिर सी बात है माँ जरूर देगी। नवरात्रों की बात कर रहे थे डॉक्टर मनमीत, नवरात्रों में किस तरह का प्रभाव जो है माँ कमलात्मिका का रहता है, और नवरात्रों में खासतौर से कब, किस दिन माँ कमलात्मिका की पूजा करनी चाहिए? 10वें दिन करनी चाहिए माँ कमलात्मिका की। और ऐसा कहते हैं कि इन 9 दिनों में जो माँ है वो अपने आप धरती पर आती हैं, और इन दिनों में अगर आपके घर में आपको कोई भी नई खरीदारी करनी है, अगर आपको कुछ भी करना है, आप माँ कमलात्मिका को day 1 से उन्हीं के मंत्र करें। आप बाकी सबको छोड़कर उन्हीं के मंत्र करें, उन्हीं की साधना शुरू करें। और ये भी आप कर सकते हैं कि 9 दिन के कुछ मंत्र का आप जो है संकल्प ले सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि माँ कमलात्मिका आपको टेस्ट करती हैं। जैसे अगर आपने कुछ मांगा, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, तो आपके साथ वाले को गाड़ी दे दी जाएगी। उस समय आपको ये नहीं सोचना कि इसको मिल गई मुझे नहीं मिली, आपको ये बोलना है कि माँ इसको मिली है और भी मिले, लेकिन मुझे भी बहुत सारी मिली। ये सुन के माँ खुश होती है कि आपके अंदर एक लालच नहीं है, माँ के आगे केवल एक प्रेयर है कि मुझे भी गाड़ी चाहिए। लोग अक्सर ईर्ष्या में, जेलेसी में, एनवी, हेट्रेड इसमें आ जाते हैं और उनको लगता है वो इसने तो इतना काम नहीं किया फिर भी इसको मिल गई, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ मुझे नहीं मिली। पूजा पाठ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, पूजा पाठ एक प्रेयर है, एक सबमिशन है, एक अच्छा इंसान बनने की चेष्टा है इंसान की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपने अगर 3 लाख मंत्र करे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको 2 वेला मिलना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं और हमेशा उनको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको आज बता दूं कि तांत्रिक फॉर्म्स की पूजा, अगर आज कोई भी इंसान बहुत अच्छी आर्थिक तरक्की कर रहा है तो वो तंत्र से पूजा कर रहा है, आपको दिखे आपको ना दिखे, क्योंकि ये सारी पूजाएं जो होती हैं छुपा के करनी चाहिए। लोग, मैं देखती हूँ, बोलते हैं मैं तो 1 साल से ये पूजा कर रहा हूँ। जहाँ आपने ये बोल दिया आपके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। मंत्र उच्चारण चोरी किए जा सकते हैं, आपकी जितनी भी साधना है उसका जो कोष है, उसका जो बक्सा है, वो खाली किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र उच्चारण बहुत जोर जोर से अनाउंस करके नहीं करना चाहिए। जब पुराने समय में कहते थे शांत जगह पर एकांत मत में बिना किसी को बताए आपको साधना करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी चुराने के लिए ना सिर्फ लोग और उनके विचार हैं बल्कि यहाँ पे घूम रही बहुत सारी एंटिटीज हैं, आत्माएं हैं, जो आपका एकदम ये पॉजिटिव एनर्जी जो है चुरा सकती है। क्या इसको यहाँ इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि जो ये धारणा है कि तंत्र मंत्र जो काली विद्या है वो शमशान में करने से उसके लाभ ज्यादा मिलते हैं,
क्या उसके पीछे यही वजह है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आता नहीं है और आपको एकदम शांत एकांत वाली जगह मिल जाती है, या फिर इसके पीछे का लॉजिक अलग है क्योंकि वहाँ पर साधने से इम्पैक्ट ज़्यादा मिलता है? दोनों ही रीजंस आपने जो कहे वो बिल्कुल सही हैं। मैं नहीं कहूँगी कि माँ कमलात्मिका की तो डेफिनेटली प्रेयर हम शमशान में नहीं कर सकते। शमशान में हम माँ भैरवी, माँ काली इनकी पूजा कर सकते हैं या माँ धूमावती की। एकांत केवल शमशान में नहीं होता, गुफा में भी हो सकता है, आपके कमरे में भी हो सकता है। आप एक घर रेंट पे ले सकते हैं जिसमें आप केवल साधना कर सकते हैं और उसमें और किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी। तो एकांत के लिए पहले कहते थे कि शमशान, लेकिन शमशान का जो इम्पैक्ट है, माँ तारा का जो मंदिर है, आपको मालूम ही है, हमने ये डिस्कस किया था कि माँ तारा शमशान में ही बेस्ड है। तो कुछ शक्तियाँ हैं जो शमशान से बढ़ जाती हैं, लेकिन माँ कमला उनमें से नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, वैभव चाहिए, धन चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लालच नहीं होना चाहिए। और अगर लालच नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ माँ कमलात्मिका बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन उन्हें साधने का, उनकी पूजा करने का तरीका सही होना चाहिए। और 10 की 10 महाविद्याओं के बारे में एक एक कर इस पूरी सीरीज में समझा है हमने कि किस किस तरह से तमाम इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई इन 10 महाविद्या से जुड़ी हुई कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं, इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप लगातार प्रयास करने के बावजूद भी ठीक नहीं कर पा रहे या वो ठीक नहीं हो रहा है, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी सवाल हो, आप डॉक्टर मनमीत कुमार से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे आप डॉक्टर मनमीत कुमार से संपर्क करें उसकी डिटेल भी आपके लिए मौजूद होगी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जो अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग जो देव और देवियों से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे और आपसे इसी तरह से तमाम जो रहस्य है उनसे पर्दा उठाने का काम करते रहेंगे। और इसमें जो है डॉक्टर मनमीत कुमार जो कि स्पिरिचुअल गुरु है, जिन्होंने 10 महाविद्याओं पर एक डिटेल रिसर्च भी किया है, और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो ऑक्सफोर्ड में जी, मैं उसका लिंक अभी नीचे कमेंट्स में ही दे दूंगी जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के पॉडकास्ट में इतना है। नमस्कार। नमस्कार।